अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड ईद मुबारक फ्रॉम ऑल टीवी एंड द टीम। मेरे साथ मौजूद हैं तूबा और मेरा नाम है मुकीत खान। आई होप आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। ईद का डे वन तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा। तूबा आपका कैसा था? मेरा बहुत अच्छा डे गुजरा था और आज ईद का सेकेंड डे है और आज इनका दिन जो है थोड़ा अच्छा नहीं गुजरने वाला। एंड आई बेट यू या एक बार मोर थिंग यार, ईद मुबारक। ईद का सेकंड, ईद तीन दिन होते हैं, तो हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। होपफुली आप लोगों की ईद उतनी अच्छी गुजरी है जितनी हमारे डे वन गुजरा, और डे टू और भी बेहतर करने वाले हैं। कल तूबा के साथ स्नेक्स एंड लैडर का हमने एक मैच किया था, सांप सीढ़ी का। मुकीत, सांप सीढ़ी का। आई फॉरगॉट, तूबा को थोड़ा सा उर्दू का मसला मसाइल है, लेकिन ठीक है, इंग्लिश का मसला मसाइल है, बट ठीक है, चलेगा। सांप सीढ़ी का हमारा मुकाबला हुआ था और उसमें हुआ ये कि कल मैं जीता था, क्योंकि शुरू में आते साथ ही तूबा ने इतनी सारी बातें कर दी थी, मुकीत आपकी टीम तो ये, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। मेरी टीम ने 5 बारियों में पूरा मैच खत्म कर लिया था। तूबा, आज आपको क्या लगता है कि आपकी टीम में क्या आज डेफिनेटली मेरी टीम जो है वो जीतेगी और मुकीत का आज एंड में शक्ल जो है ऐसे उतरी भी होगी। अभी मैं स्टार्ट ने फिर बोल रही थी, जो बतीसी निकली हुई है ना आपकी, ये एंड में जो है बहुत उतरा करके फेस होगा। गाइस, कल के शो में भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं इंट्रो दे रहा था तो उन्होंने इतनी सारी बातें की थी और फिर इवेंचुअली आपने देखा था क्या हुआ था। लेकिन आज की गेम में क्या होता है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज ये लक गेम है, इसमें कुछ आपकी कोई एक्सपर्टीज ज्यादा नहीं होती। बट हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, जो कि हमारे रियल प्लेयर्स होंगे, गोटियों के बजाय हमारे रियल प्लेयर्स हैं यहाँ पे इस गेम में, तो होगा ये कि वो जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उनकी जिंदगी में उन्होंने काफी कुछ अचीव किया हुआ है। फुटबॉल से रिलेटेड ये लोग हैं, जब वो आएंगे तो हम आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराएंगे कि ये हैं कौन और कितने टैलेंटेड हैं, और आज हमारे साथ एक लग गेम खेलने वाले हैं। सो लेट्स सी, हो जाए तूबा, हो जाए फिर बुलाते हैं। पहले आज मैं अपने कंटेस्टेंट को पहले बिल्कुल बिल्कुल प्लीज गो। तो जो मेरी मेरे टीम मेंबर है, मेरी नहीं है, मेरी इनकी है, मेरे हैं। मेरे टीम मेंबर का नाम है SAAD, साद। आ जाए साद, वेलकम साद। कैसे साद? थैंक यू सो मच। साद जो है एक बेहतरीन फुटबॉलर कोच है, मतलब कोई सोच सकता है कि मतलब आपको देख के लगता नहीं है कि आप फुटबॉल खेलते हैं, आपके बड़ा जो है शायराना अंदाज, बड़े शायराना से लगते हैं फुटबॉल टीम में। ठीक है, कवर कर लिया आपने, लेकिन लग रहा था मुशायरे पे आ रहे हैं, लेकिन मुशायरे पर आ रहे हैं, लेकिन ये फुटबॉल कोच है। और मैं सुना लड़कियों की टीम के फुटबॉल कोच है, लड़कों को नहीं सिखाते? नहीं, बिल्कुल सिखाता हूँ। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस इनक्रेडिबल शो, इट्स एन ऑनर। मैं 11-12 साल क्रिकेट फुटबॉल खेला प्रोफेशनली, उसके बाद इट्स बीन 5 ईयर्स तो मैं कुछ टीम को फुटबॉल एज अ फुटबॉल कोच सर्व कर रहा हूँ। So I've got like boys teams as well and girls as well. So as a coach, कैसा करियर है ये पाकिस्तान में होना? क्योंकि football it's quite tough. You have to be really passionate about it. Or obviously with the education that alhamdulillah that we got, उसके साथ एक बड़ा अच्छा सा जो है आप, you can groom your players well, the boys and the girls. क्योंकि एक ना वो आप fatherly figure होते हैं, तो आपको बड़ी responsibility के साथ उनको साथ साथ football तो सिखानी होती है, साथ साथ you have to groom them as well. तो ये एक है responsibility वाला। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, तो जो लोग football के शौकीन, और पाकिस्तान में देखा है बेतहाशा लोग football के शौकीन है, मेरे अपने घर में लोग भरे पाए, तो प्लीज साथ से कॉन्टेक्ट करें, वो आप लोग को बेहतरीन फुटबॉल खेलना सिखाएंगे। और मैंने सुना है कि जो मेरी टीम मेंबर आ रही है वो भी फुटबॉल प्लेयर है और साथ साथ में पेंटर भी हैं, वो साथ में अपनी आर्ट भी करती हैं, तो बड़े आर्टिस्टिक किस्म के लोग हमारी, बड़े आर्टिस्ट। एंड आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इतनी बेसिक सी गेम खेलने के लिए इतना सारा टैलेंट लेके लोग आ रहे हैं और हम उन्हें किन बेसिक चीजों पे लगा रहे हैं कि यार आजा स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, यू नो, बेसिक चीजें खेलते हैं और ये फॉरएवर गेम है, फॉरएवर ग्रीन गेम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें भी हारती है, लेकिन खैर इसके साथ ही मैं अपनी टीम मेंबर को बुलाने वाला हूँ जिनका नाम है रोशनान। प्लीज वेलकम टू द शो। फाइनली मुकीत को नाम इनका याद हो गया। इनको नाम नहीं याद हो रहा था। आई वाज थिंकिंग कि सही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। You just have to make sure कि जब गेस्ट को बुला रहे हो तो आपके सर पे होता है कि यार नाम ठीक ले। तो मैं 5 बार इनसे नाम पूछा, इन्होंने कहा हाँ यही मेरा नाम है। थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। पूरे स्पेलिंग्स करके भी ये कंफ्यूज थी कि SAAD साद ही बोला ना मैंने। नहीं नहीं, मैंने सही बोला है ना। गाइस, वो इंग्लिश वर्ड का जो मसला ना वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, बट खैर इसके साथ ही विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोना मूव ऑन टू द गेम। गेम आती है आपको ये? यस, हमें आईडिया है इसका, लेकिन आप एक्सप्लेन कर दें एक बार। लेकिन हमारा जो इस दफा का लूडो का सेट लगा हुआ है ना, ये इसका लूडो नहीं है, ये सांप सीढ़ी है ना। लूडो को उल्टा कर देंगे तो सांप सीढ़ी बन जाएगा। इस ये है यूनिक जो है एडिशन हम लेकर आए आप लोगों के लिए, वो बच्चों वाला नहीं है, ये थोड़ा बड़ों वाला। कहां से लाए हैं? ये दुकान से प्रिंट करवा के लेकर आए। So guys, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये गेम शौक से खेलती थी बचपन में या लूडो हारने के बाद खेलती थी? मैं हमेशा इस गेम में अनलकी रही हूं, तो मैं इस गेम भी सोच अनलकी रही यार, बट नहीं, लक, यू नो, लक इज लाइक आज भी नहीं बदल सकती है, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। हमारी लक आज साथ है क्योंकि मैं कल जीता था, तो यू नो आज भी हम इसी परंपरा को लेकर आगे चलेंगे, ठीक है? और आप बताइए, आपने सोचा मैन पावर लेके आऊंगी तो शायद जीतूं, तो व्हाट डू यू थिंक?
लेकिन आज मैंने ही जीतना है, डेफिनेटली बात हो गई। आज मैंने देखा यू वर स्ट्रगलिंग अ लॉट, सो इस दफा आज कम स्ट्रगल नजर आया, तो दुनिया देख रही थी। लेट्स सी टाइम बताएं। आज मैं चुप की मार मारूंगी। मतलब इतनी बातें करने के बाद अब ये चुप की मार मारेंगी, वो क्यों? क्योंकि हारेंगी। तो गाइस मूव ऑन करते हैं अपनी गेम की तरफ। गेम का सिंपल से रूल ये है, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दें कि इट्स बेसिक स्नेक्स एंड लैडर। करेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से हम शुरू करेंगे, डाइस फेंकेंगे, या नंबर वन या नंबर सिक्स आप लाएंगे तो आप गेम में एंटर हो जाएंगे और जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, या वन पे मूव करेंगे या सिक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा डबल नंबर का मतलब ये कि जो आपका लेट्स से आपका फोर आया था और आप डबल नंबर पे मूव किए हो तो उतना ही आप चार और आगे चले। ठीक है, उसके अलावा क्या था, स्टिंग बाय। अगर स्टिंग बाय पे आप आते हैं और लेट्स से वो 99 पे भी खड़ी है और आप चाहते हैं कि आप स्वॉप करना चाहते हैं प्लेस, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्पॉट पे और आप 99 पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा होने नहीं वाला, लेकिन मैंने कहा फॉल्स होप्स आपको थोड़ी सी दे देनी चाहिए। ऐसा होने वाला है, ये बस जेलस हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ डबल रोल का मतलब, अगर आप इस पर आए तो आप दोबारा भी डाइस रोल कर सकते हैं। ठीक है, और डबल नंबर पे वही बात है कि आपका चार आया तो आप आठ नंबर चलेंगे, और सांप काटेगा तो आप पीछे जाएंगे, सीढ़ी आएगी तो आप नीचे जाएंगे, और आप मेरी टीम जीत नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएंगे। आप बेशक नीचे जाना सीढ़ी पर, सीढ़ी वापस उतर जाना कि ठीक है आई एम गोइंग होम। मेरा मतलब है ऊपर जाएंगे वहां पे ऊपर जाएंगे, ये सीढ़ी हमारे लिए सीढ़ी। गाइस देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। इसके साथ ही हमें डाइस मंगवानी चाहिए। कोई क्वेश्चन आप लोगों के जो आप बचपन में हारते थे जीतते थे? Honestly, मुझे याद नहीं है, लेकिन और जिस तरह इन्होंने कहा कि याद दिलाते हैं, लक फैक्टर है इसके अंदर। डाइस फेंकी जाए। ये मैंने इनको कैच करना सिखाया, आपने देखा था कल गिफ्ट किस तरह कैच किया था, नीचे गिर गया था गिफ्ट का, और इसमें बहुत फर्क है। उसमें ये तो इजी है, भारी सामान प्रोड्यूसर साहब ने मेरे ऊपर फेंक दिया था। गाइस इसका सिंपल बता दूं कि इसमें बाकी सारे नंबर्स हैं सिवाय सिक्स के, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि जरा वो पोल्का डॉट बनियान की आजकल डिमांड ज्यादा थी तो उन्होंने छह डॉट्स उसके लिए बचा लिए। वो पोल्का डॉट के बनियान इन्होंने अपने लिए सिलवाए हैं, ये भी बताया ना, ये नहीं बताना देख तो नहीं रहा, नहीं देखा। बट खैर गाइस तो करेंगे ये कि जो ब्लैंक है वो सिक्स की जगह यूज होगा, बाकी सारे नंबर्स इसके ऊपर डाइस के ऊपर मौजूद हैं। खूब धांधली करके इसे फेंकना है ताकि जो नंबर आपको चाहिए वही सामने आके गिरे। ठीक है, सुनिए ना, ये आपके लिए, बाकी किसी तो पहले किसकी बारी हो रही है? आई थिंक लेट्स लेडीज इनवाइट देम। या लेडीज, अच्छा या So guys, पहली बारी हमारी है। okay. आप लोग बारी जब करोगे तो हमारी तरफ फेंकना या हम आपको खुद ये डाइस वापस कर देंगे। तो गाइस गेम स्टार्ट होने वाली है, स्टे ट्यून्ड क्योंकि एक शुगल होने वाला है। आप यूजुअली गिट्टियों से देखते थे, नाउ रियल ह्यूमन बीइंग्स आर गोना प्ले दिस एंड दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग, सो देखते रहिए। स्टार्ट हो जाए ये चीज। मैं आपको पास करता हूँ। ओके क्या लाना चाहिए? आप इधर ही फेंक दें, इधर फेंक दें, वेरी गो। फिर से बात, ये सांप है। टू कोई नहीं, यहां से छक्का तो नहीं आया, तो टू आया ना, वन आया ना, वन कब आया, वन आया, वन आया, अब इसीलिए आ रही है, वन आया था। ये खुराक करके आई है सिर्फ बादाम की जरूरत है, बादाम की जरूरत कोई नहीं पूरी, नहीं पूरी ना नींद, बच जाएगा। ऐसे ही फेंकना है तुमने भी, ऐसे आएगा नहीं, ये तो कैच नहीं हुआ, चले मैंने फेंकना। वी वॉन्ट चीट टू, अच्छा तूबा आपकी तरफ फेंकता हूँ। जी जी फेंकें, ये मैं इधर। हाँ तूबा आप उधर चलिए। अरे यार बस ये चीटिंग से करोगे ना तो इसी तरह वन वन चलोगे। बस स्लो एंड स्टेडी के। फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ये बाबा। ओके। हियर यू गो साद। साद प्लीज। ये क्या साद? ऐसे। फाइव है? प्रोड्यूसर साहब क्या? प्रोड्यूसर साहब ये गलत हो रहा है। फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके अच्छा डाइस को प्लीज ऐसे घुमा के फेंकिएगा ताकि कुछ तो यार कुछ तो शुगल हो ना, ताकि कुछ तो इंस्ट्रक्शंस हो ना, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये तो ऐसे करके अगर आपने रख दिया सामने तो वो ही आएगा। ये कहां आया? आप साथ अब रोल करना, हम पे बात आ जाएगी, हम नहीं चाहते हम पे कोई बात आए। वन आ जाए, मैं सेवन पे हूँ। हाँ अब थोड़ा सा फेयर होना शुरू है। हो गया रोल, आर यू हैप्पी? अब ठीक है, हाँ आए। वन टू थ्री फोर फाइव, ट्वेल्व।
Sorry. It's okay. Okay. It's five. Five, one, two, three, four, five. ये चीज़ 16 का आ गया. ये five कुछ नंबर मुझे लग रहा है आज कोई किसी की बर्थडे शर्ट नहीं है. अच्छा. मैं अगली बारी चाहूँगा तूबा करे मेरी. मैं ओ यार. हमें से ये ज़्यादा सही है आप लोग हमारे लिए बेस्ट करो. चले. ये तो फिर जानबूझ के तूबा वेरी नाइस. मैं 17 में जा रहा हूँ. 3, 4, 5. मैं आपकी बारी करूँ. ओके यस. चले. मैं आपकी बारी करता हूँ. अब चीटिंग बस शुरू हो जाएगी फौरन. ये करनी तो पड़ेगी ना. ये कंपल्सरी तो नहीं है. देखिए आप कोचिंग करते हैं ना फुटबॉल की. बट इट्स हर कॉल. हां मेरी कॉल है ना तो इट्स नॉट कंपल्सरी. अच्छा चलिए माय चॉइस. हमारी बारी. क्या आप अपने प्लेयर को कभी फुटबॉल में बोलेंगे कि नहीं तू गोल ना कर. ये ले. कभी बोला आपने कि ना करी गोल. 17 पर आए ना पीछे क्यों चले गए. सॉरी सॉरी नहीं 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 ठीक है पीछे ज्यादा नहीं नहीं 2 19 सांप से बच गए हम. ओह वाकई यार. हाँ छक्का करके ऐसे नहीं आता. छक्का छक्का देख के ना यूं हाँ, कर मुझे मैंने रोल किया पूरा. चल चले साथ कम ऑन. ये साथ चीटिंग तो अगली आते जी. नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया. चीटिंग नहीं किया. इतनी धांधली के बावजूद हो गया. धांधली नहीं चल रही मुकीत आप जेलस ना हो. एंड ये देखें ऐसे खेलते हैं. 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं हुआ. यू गो यू गो तू आप जाएगा. You go. You go. छक्का है. Producers call. Producers call. ये छक्का. ये क्या बात? तू था. Producers आप बस छक्के दे रहे. पीछे यार ये producers आप जो है ना साथ में नीचे one था. थोड़ा सा handicap हम लेके चल रहे हैं. Fair call है जाने दे. शाम से नीचे जा रहे हैं. यार ओ जाइए जाइए बिल्कुल. ये six नहीं आया था. उनसे सिक्स था ना प्रोड्यूसर्स आप. और ठीक ठाक है खैरियत से ना. मैं थोड़ी किया. ये चीज यार दुबा मैं नहीं कर रही. छक्का बड़ा नंबर लेकर आए पहले कोई. इट्स छक्का. बड़ा नंबर लाए. 13 13 इज हियर. नहीं दिस 14 1 2 3 4 5 6 हां 14. कहती 13 इज हेयर और 14 पे इशारा करेंगे. ये वाला 13 ये वाला नहीं ये वाला. दो दो इंटेलिजेंस. सुबह कैसे सोचती हैं. सुबह करेगी. आप छक्का लाती हैं. एक दूसरे में भारियां डाल रहे हैं आप. इट्स 4 वन. अच्छा मुकेश मुझे अच्छा मैं जा रही हूँ. हाँ आप लोग घर बैठे मेरे ख्याल से. आप मुझसे बारी ना करवाएं आपको. गाइस S A A D 7 जो है नंबर 3 पे आ चुके हैं. ठीक है इतनी धांधली के बावजूद ऐसे 6 को ऐसे रखने के बावजूद वो अभी तक नंबर 3 पे. मैंने सोचा आपके हाथ बरकत वाले होंगे. मेरे बरकत वाले पता नहीं क्यों नहीं हाथ हो रहे. 1 प्रोड्यूसर 1 1 1 1 1 1 थोड़ी हमारे भी वानी वहां इधर को. अरे उधर नहीं जा. मैं सीडी पे भेज रहा था. कुछ खाया नहीं है. अब आपने सिर्फ टू लाना है. रोल करें. क्या करते हैं. इट्स टू. व्हाट टू. इधर आ जाए. बस आ जाए. पांच आ. इसको ना ऐसे ही ड्रॉप कर दे और इस पे आ जाए. 40 मे भी आपने छोड़नी. छक्के आ रहे हैं. उसके छक्के आ रहे हैं. 3 4 5 6 को ये 95 वाला सांप काटेगा है ना. साथ डन. दूसरों का भला करें भला होगा. क्या हो रहा है. मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी शुरू शो के स्टार्ट में कि आज मैंने ही जीतना है. मैंने ही जीतना है. मुझे लग रहा है कि आज ओए आ जाओ ऐसे करके. अब घबराना नहीं आपने. अब आप करें. मैंने लेकिन सबसे पहले ओके करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. छक्के तो मैं बड़े ला रही हूँ लेकिन फायदा कुछ. देखे ना मैंने कहा था आपके हाथ बरकत वाले. वो देखें 1 2 3 4 5 6 थैंक्स कल से मुझे जिता रही हो. क्या है प्रोड्यूसर. 3
लेकिन बातें हमने कम की है तो इसलिए चांसेस हमारे ज्यादा हैं। नहीं मैं चांसेस हमारे छक्का पर आ जाए किस पे आना चाहिए तुम्हें किसी पे भी कर ले अच्छा लक ने कौन से पूछ के आना छक्का नाइस 3 4 5 6 ओके बीच में से सीढ़ी चढ़ सकती हैं आप नहीं नहीं आइए 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 प्लीज पार हो जाइए फिर नीचे भी आना पड़ेगा फेयर प्ले फेयर प्ले मेरी आंखें मैं हेल्प कराता हूं जिंदा रहने रहीं 3 3 3 45 प्रोड्यूसर साहब ये क्या है 3 प्रोड्यूसर साहब 5 इट्स अ 5 आवाज नहीं आ रही प्रोड्यूसर साहब सो तो नहीं कर 3 1 2 3 ओ सीढ़ी पार कर ली नहीं की टफ मैच चल रहा है 4 1 2 3 4 गाइस मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं आज समझ रहे हो इंशाल्लाह चुपचाप करके ये चीज पार्टनर ये देखिए 73 पे वो इंतजार कर रही है बिल्लो रानी इंतजार कर रही है ओके इट्स व्हाट 3 देखा अब आप 1 ना लेगा प्लीज नहीं मैं नहीं ला रही आप नहीं 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 मैं नहीं कर रही साथ क्या टीम है क्या टीम है बिस्मिल्लाह आई एम गॉड अच्छा ओके मुझे जाने दे चले आप जाएंगे तू सांप से ऊपर चढ़ देना आप 95 पे चली जाए उल्टा गलत ये सांप डस के वापस ही भेजेगा ओके 3 आगे आ गया ये 1 नंबर हम आगे हैं सांप डूइंग गुड हां ओके बस ज्यादा भी खुश नहीं होती पता चले हार जाए एंड में आप स्टार्टिंग पॉइंट पे थे जब तक मुझे याद है उसके बाद मुझे याद में आए कब मुझे लगा इस पर आ गया है हाय अच्छा तो ये नहीं डबल रोल आप करें अच्छा पक्की बात है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 5 1 2 3 4 5 88 88 मैं करूं ये तो हमसे ही मेहनत करवाए जा रहे और हम भी क्या कर रहे हैं हम भी क्या कर रहे हैं दोनों हमने सही जोड़ के रखा है दोनों को दूर ना हो दूर ना जाए चलें ये देखिए सही जोड़ के रखा है आप आ जाएं मैं तब तक बारी कर लेता आप बेशक स्टार्ट से आ जाएं नहीं 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 व्हाई नॉट अपनी गेम समझे वो तो सही है आपका अपना घर है प्रोड्यूसर साहब 1 2 3 4 5 आंसर एंड मूव आंसर एंड मूव ये क्या नंबर प्रोड्यूसर साहब 3 4 3 ये नंबर क्या है ये समझ आ रही है मुझे तो स्क्रीन में लग रहा है ये 3 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
मेरी बारी आती है तो कहते हैं ये चीज सांप है सच्ची हां आ जाओ मैंने तुम्हारी राह में प्यारे प्यारे चले अब थोड़ा हमें लेवरेज मिल गया अब आप तीन नहीं लाना प्लीज मैं नहीं कर रही यार मैंने कहा घबराना नहीं है सबसे पहले घबराना नहीं घबराए हुए हैं अब क्या नहीं घबराना चलिए बात इसके बाद तो टू आया यार ये बोल रहा है खुद बोल रही है क्या कर रही हो इंशाल्लाह नहीं आएगा गाइस ये मेरी टीम में भाई नहीं प्रोड्यूसर साहब इट्स वन और टू ये देखे टू है ना बहन उधर जाना है आगे नहीं नहीं
तीन कर लिया आपने। अच्छा सर, अब देखें मैं आपके साथ। इधर थी, वहीं इधर थी। हाँ बस सही है। आप 78 पर आएंगे। ओए सॉरी। It's a one. Answer and move. क्या है? Again होगा भाई। अल्लाह तेरा शुक्र है। और इंसान क्यों बोला? ऐसे ऐसे कर। Two. Oh yeah! आप लोग लड़ ले पहले फिर हम डाइस करते। मेरी टीम मेरी नहीं रही। हमने टीम के बीच में लड़ाई करा दी। नहीं मैं नहीं खेलती। हम जीतेंगे। तू आ, डोंट वरी। हाँ पक्की बात है। ठीक है। थ्री बातें सुनो। उधर जाए चले। इधर आ जाए। 41 पे आ जाए क्या? नहीं नहीं ऐसे ऐसे ही। हाँ पीछे पीछे रहना हमारे। कर ले कर ले कर ले। करूं? कर ले। अल्लाह बस इनके आ जाए कोई। इट्स टू। वाओ ये फिर से करूं? ये डबल रोल ही ना ये लेके जाएगा आपको सांप पे। वन इतना बड़ा फेक। फाइव आते आते बीच में। टेंशन ना लें। डोंट वरी आप करें। घबराऊं? नहीं नहीं सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन सबसे पहले फाइव प्रोड्यूसर देखा आप डबल रोल लेकर आएंगे। फोर फाइव फोर ये चेक कर रहे पूरा। इट्स अ फाइव इट्स अ फाइव इट्स अ फाइव। हाथ हाथ को पूरा टच करके। इट्स फाइव मैन। इट्स फाइव अगेन होगा ये। अगेन अगेन हाथ को डबल रोल। ये देखो ऐसा थोड़ी होता है। अगेन 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 तू बा गो। बल्कि बारी भी अब मैं करूंगा आपकी। करें? नहीं 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 फिर आप पे डाला जाएगा। ये कर लिया ना। नहीं नहीं हम आपको अलाउ करें। हमारी टीम बड़ी अच्छी है यार। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। इट्स 6 और 3 6 वेयर हियर। ये पे कैसा सिक्स है? ये ऐसा सिक्स है। ये जो पोलका डॉट्स का हमने बनियान सिलवाया ना वो वाला सिक्स है। चले सॉरी मैं राशनान की जगह पे हूँ। अब चले सबको नहीं पता। अच्छा ठीक है। इट्स व्हाट फाइव ये हुई। चले चले दुबा साथ कुछ कर ले। अच्छा अब तो मेरे हाथ है मैंने कुछ करना है। इट्स 3 क्वाइट अ मैच। हां Getting quieter. Oh, 1, 2, 3. Three से ऊपर कोई भी नंबर। इनकी बारी, इनकी बारी। Let's go. Three. Thank you. यार ये बड़ा कोई गंदा सांप है। देखो इतरा इतरा के देख रहा है। उस वक्त निकल जाते ना हम जीत चुके। अल्लाह पाक 3 आ जाए। Please 3. It's 1. Okay. अब आप प्लीज मेहरबानी कीजिएगा आपने 4 नहीं लाना। फोर तो अच्छा है। सोचे फोर को सांप है। ओ नहीं नहीं इट्स रियली अच्छा। चक्का। गुड 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 गुड। 1 2 3 4 5 6 ले लो। यार गुड जॉब तूबा। यार ये सांप इन्होंने पांव से पीछे किया। सिर्फ हम 4 कदम दूर हैं। ओए 1 2 3 हां अब बताओ अब बताओ। तूबा कम ऑन यार। चलो बस 4 रह गया। चल दो ना साथ मेरे। इनकी नर्व्स जो है आपने किया था। आपने किया था। आप आगे आए थे उसके बाद फिर मेरी बारी। लास्ट बारी रहती है। देखिए मैं हम लोग पहुंच गए। दिस इज हाउ यू विन। मेरा सवाल ये है कि पहले रोशनान बारी कर चुकी थी। नहीं बात सुने। आप बारी करके यहाँ आए मेरे पीछे। प्रोड्यूसर साहब हमारा गिफ्ट। उसके बाद मैंने हाथ में उठाया है। रहती है ये। हम जीत गए। जब हम जीत गए तो आपकी बारी किधर आ गई? अभी अगली बारी हमारे जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। आपने मुझे भी यहाँ से कैच करा है। हाँ लेट्स लेट्स कॉल। हाँ
नहीं ये क्या बात है, नहीं 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 हम ही पे, नहीं 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 वेट, आप कहां खड़ी थी डाइस के बाद? उन्होंने बारी की, इन्होंने बारी दी हमें, हमारा पूरा है, हम जीत गए, हमारी बारी रहती है भाई, जब जीत गए तो क्या बारी रहती है। आप लोगों के सामने तूबा ने हमारी टीम मेंबर को कैच कराया, हमने बारी की, हमारा फोर आया और हम जीत गए। जब हम जीत चुके हैं तो कह रहे हैं हमारे बाद दिल बड़े, हमारे दिल बड़े। बाद वाली बारी कैसे होगी भाई, जब क्रिकेट मैच जीत गए, जब स्कोर चेंज हो गया तो उसके बाद आके हम ही दो बॉले कराओगे। लेकिन आई स्टिल थिंक कि रोशना ने पहले बारी की थी, उन्होंने डबल बारी किया जिसकी वजह से थ्री आया। इन्होंने बारी की थी, उन्होंने मुझे कैच कराया था, आप मेरे पीछे से चल के आगे आए, आपकी नजरों के सामने सब कुछ हुआ है। आप लोग हमें बताइए क्या हमने कोई दो नंबरी की नहीं की है, क्या हमने कोई ज्यादा बातें की? हम रिप्ले करके देखेंगे। आप प्लीज ईमेल करके हमें बताएं कौन सी था। But it was a lot of fun playing with you guys. बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह रोज लोगों को हराते हैं। और हाँ, गेम का क्या बात है हमारी, बिल्कुल इसके साथ ही they played well. हम सबसे पहले तो शुक्र है इन्होंने आपके टीम मेंबर को पेश करना चाहेंगे। साथ प्लेजर प्लेइंग विद यू, सॉरी कि तूबा ने आपको, बट खैर यार नेक्स्ट टाइम मेरी टीम में, हां जी बेसिकली मेरी टीम में ही, और तूबा कैच करें, तूबा का कैच चेक करने गाइस आप लोगों ने। गुड कैच तूबा, सही है, बनता है बस कैच। कैसी मैंने इतने प्यार से आपके टीम मेंबर को पेश किया, एंड द विनर टेक्स इट ऑल। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर अस, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ईद वाले दिन में जब सारा फैमिली की इतनी खीरें चल रही होती हैं, आप वो छोड़ छाड़ के खुराके छोड़ के हमारे शो में जीतने के लिए आए, बट होपफुली आप इस गिफ्ट से भी डिसअपॉइंट नहीं होंगी, और हमारे साथ बहुत मजे का आपका टाइम गुजरा है, बिलीव मी, हमें भी मजा है, बड़ी अच्छी चीज है, बिलीव मी, आई मीन हमारा आपके साथ बहुत टाइम गुजरा। So guys, that's pretty much about the transmission. हमें मजा आया, हम चाह रहे थे कि कुछ डिफरेंट करें। बहुत सीरियस होता है कि सोफों में बैठ के वही बातें करो, ईद कैसी गुजरी, जी थी गुजरी नहीं, बहुत हो गया यार, अब इस तरह की गेम्स करेंगे, और बहुत सारे और भी आइडियाज हैं जो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। मोस्टली लोग ईद वो है सोकर गुजारते हैं, मोस्टली लोग ईद सोकर गुजारते हैं, तो मैं कहती हूँ उठे, हमारा गेम शो देखे, अपने घरों में भी गेम खेले, घरों के बाहर भी गेम खेले, और खुशियां, क्योंकि टीवी पे इतनी सीरियस कन्वर्सेशन हो रही होती है कि बंदे को नींद आ जाती है यार। Although सारे सेलिब्रिटीज बिल्कुल सही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा एक लेजी डे हो जाता है उसमें, सो वी वांटेड टू मेक इट हैपनिंग, और बहुत मजे का हो गया। और कोई आइडियाज हैं तो राइट इन, हमें लिखें कि व्हाट डू यू थिंक, हमें और कौन सी गेम्स करानी चाहिए, और टीवी को आपके लिए और कौन सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड वी विल मेक श्योर, और टीवी विल मेक श्योर कि हम आपके लिए वो सारी एंटरटेनमेंट लेके आते रहें जो आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज अ लॉट ऑफ फन, और अंटिल नेक्स्ट टाइम आप लोग बहुत सारे एंजॉय करें अपना ईद, अभी भी काफी सारी बाकी है, जो ईदियां रहती हैं फौरन से पहले बांटें, खुशियां बांटें, एंड तूबा आप कुछ कहना चाहेंगी? ईदी दे मेरी, हां तो गाइस इस ईदी दे, हम घर चलते हैं, अल्लाह हाफिज, खुदा पामान, ईद मुबारक टू ईच एंड एवरीवन, ईद मुबारक, ईदी दे मेरी, मुकीफ यार मेरी, ईदी दे दी है।